हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इसमें जो क्वेश्चन रह गए थे वो डिस्कस करने हैं फिलहाल। जैसे कि देखिए आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। हमें प्रूव करना है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और पॉइंट दिया है एन, एक्स इक्वल्स टू एन पे हमें उसको चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 एंड पेज नंबर 159 इज पेज नंबर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 159 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। हमें यह प्रूव करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n x इक्वल्स टू n पर कंटिन्यूअस है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये क्वेश्चन दिया है आपको। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। हम यहां पे निकालेंगे इस दिए फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट। इफ LHL एंड RHL बोथ आर इक्वल देन वी प्रोसीड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट n। क्लियर? आइए जरा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n LHL लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच। ये तो आप जानते ही हैं, फॉर्मूला होता है a माइनस एच। चलिए अब a मतलब वो पॉइंट जहां पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। हम चेक कर रहे हैं x इक्वल्स टू n पर, तो a को रिप्लेस कीजिए आप n से, तो बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट n माइनस h। अब फंक्शन की वैल्यू n माइनस h पर क्या होगी वो निकालिए आप। जब फंक्शन में x है तो उसकी पावर n है, तो जब फंक्शन में n माइनस h होगा तो उसकी पावर n होगी। तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एन माइनस एच टू द पावर एन, एन माइनस एच टू द पावर एन। अब रखिए आप एच को जीरो, तो आंसर आएगा एन टू द पावर एन, एन टू द पावर एन। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू को निकाल लिया है एन टू द पावर एन। चलिए अब चलते हैं RHL पे। लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये जो ए है, ए का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर आप चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, बट एट दिस टाइम वी आर चेकिंग द कंटिन्यूटी एट द पॉइंट एन, सो रिप्लेस ए बाय एन एंड वी हैव एन प्लस एच।
चलिए आगे। अब देखो जब फंक्शन के अंदर x होता है तो उसकी वैल्यू होती है x टू की पावर n। तो जब फंक्शन के अंदर n प्लस एच होगा तो वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की उस वक्त, n प्लस एच टू दी होल पावर n। तो लिखिए इस बात को, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो n प्लस एच टू दी होल पावर n। अब रिप्लेस कर दीजिए h को जीरो, तो ये आ गया n टू दी पावर n। अब हम देख रहे हैं कि LHL एंड RHL दोनों की वैल्यू अपने आप में इक्वल है, तो अब हमें आगे चलना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा FN, हमें निकालनी पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट N पर। तो ये आ जाएगा N टू दी पावर N। सो दिस इंप्लाइज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू N टू दी पावर N। जो फंक्शन हमें दिया गया था उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट n इज इक्वल टू ईच अदर, सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट n। ठीक है भाई, चलिए आगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 तो आप कर ही लेंगे, 6 भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो लास्ट का पार्ट है डी पार्ट, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस। कभी आपको इसमें कंफ्यूजन हो जल्दी से लिखिए स्क्रीन शॉट, हम जाके चलना है, मुझे रफ करना पड़ेगा बोर्ड को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट देखिए। इन डी पार्ट वी हैव एफ एक्स इक्वल टू नोड ऑफ एक्स माइनस फाइव। ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, हमें सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया गया कि एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव। क्लियर? तो जरा आप सोच के बताइए कैसे करेंगे आप कंटिन्यूटी को चेक, सोच के बताइए कैसे आप चेक करेंगे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। हम चेक करेंगे एट पॉइंट ए, हम जनरल पॉइंट पे चेक करेंगे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। मैंने बताया था आपको कि जब किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट ना दिया हो वो सिर्फ इतना कह के छोड़ दें डिस्कस द कंटिन्यूटी, देन यू हैव टू चेक आउट द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन एट अ जनरल पॉइंट ए। ठीक है, आप जानते हैं मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब आपको सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया जाए डिस्कस द कंटिन्यूटी तो तब आपको एक जनरल पॉइंट ए लेके चलना पड़ता है और जिसका आप चेक करते हैं उस फंक्शन कंटिन्यूटी। तो हम भी यहां पे लेके चलेंगे एक जनरल पॉइंट ए, वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड x इक्वल्स टू ए। हम चेक करेंगे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू ए पर। तो आइए जरा पहले चेक करते हैं LHL एंड x इक्वल्स टू ए। लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड a माइनस h, क्योंकि इस बार पॉइंट a ही है तो a माइनस एच रहेगा। अब तक क्या हो रहा था 2 माइनस एच 3 माइनस एच, क्योंकि हम चेक कर रहे थे कभी फंक्शन को 2 पर कभी 3 पर, लेकिन अभी इस वक्त चेक कर रहे हैं a पर तो रहेगा a माइनस एच ही। अब आइए जरा, अब देखो ध्यान से
जब फंक्शन के अंदर x है तो मोड के अंदर x में से माइनस हुआ 5, लेकिन जब फंक्शन के अंदर a माइनस h है तो क्या होगा, मोड के अंदर a माइनस h में से हो जाएगा माइनस 5। तो मेरे पास आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो मोड a माइनस h माइनस 5। क्लियर? हमने सिर्फ इतना काम किया, जहां पे x था वहां रख दिया हमने a माइनस h। क्लियर? चलिए अब इसके बाद h को रख दीजिए आप जीरो, तो रखिए जरा जीरो लिमिट, सॉरी h को रखेंगे जीरो, मोड के अंदर आएगा a माइनस 5, इसको आप ये छोड़ दीजिए। अब इसके बाद चलते हैं RHL में, RHL एंड x इक्वल्स टू a। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है RHL के लिए लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो और h टेंडिंग टू जीरो, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो। अब इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन दिया है मुझे x माइनस 5, एक्स को रिप्लेस कीजिए a प्लस h से इन लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, तो ये आ जाएगा मोड a प्लस h माइनस 5। अब रखिए h को जीरो, तो ये आ जाएगा a माइनस 5 का मोड। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो हम चलेंगे आगे और निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर, तो आ जाएगा मोड ए माइनस 5। क्लियर? चलिए तो अब हम देख रहे हैं कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सब सेम है। सो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है। चलिए आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तो आप खुद करेंगे, इसको चेक कर लेना है 012 पे। इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये होगी, चलो इसे आप करके देखना है कि प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछना। 6 मैंने आपको करने के लिए दिया था, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 7 करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 8 करा चुका हूं, 8 की तरह से ही 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेंगे, 11 कर लेंगे। अब प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 जो क्वेश्चन है इसे मैं करा रहा हूं, आप समझेंगे बड़े ध्यान से। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, और ये फंक्शन की वैल्यू तब है जब एक्स 1 और 1 से कम है। एक्स 1 के बराबर भी है और 1 से कम भी है, लेकिन जब एक्स 1 से ज्यादा होगा तो तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, तब फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन का जो नेचर है वो 1 से आगे और 1 से पीछे चेंज हो रहा है। सो 1 इज द डाउटफुल पॉइंट, 1 पे डाउट है हमें। मैंने बताया था आपको कि जब क्वेश्चन में कोई पॉइंट ना दिया हो तो हम जनरल वैल्यू ए पे चेक कर लेते हैं, लेकिन इस केस में तो हमें क्लियर हिंट मिल रहा है, और हिंट ये मिल रहा है कि जिस फंक्शन की ब्रांच किसी पॉइंट से पीछे कुछ और है और किसी पॉइंट से आगे कुछ और है, तो वो जो पॉइंट होता है उस पर डाउट होता है कि फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के ये बात आप ध्यान रखें कि हमें यहां पे वन एक डाउटफुल पॉइंटर नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम इस वन पे ही चेक करेंगे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, ठीक है। तो आइए जरा वन पे चेक करना है कंटिन्यूटी। हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में वी विल चेक the continuity of the above function of the above function at x equals to 1। हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे x equals to 1 पर, ठीक है। तो आइए जरा पहले डिस्कस करते हैं LHL। LHL at x equals to 1, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब जो ये a है, ए मतलब जनरल पॉइंट, लेकिन हम तो चेक कर रहे हैं वन पे, तो ये आ जाएगा ए वन, तो बनेगा वन माइनस एच। अब आप सिर्फ ध्यान देंगे वन माइनस एच पर, वन माइनस एच इज लेस देन वन, ये वन से कम हो चुका है। तो फंक्शन में जाओ और वहां पे चेक करो कि एक्स वन से कम कहां है और उस वक्त फंक्शन की वैल्यू क्या है, और उस फंक्शन की वैल्यू में जो एक्स होगा उसको रिप्लेस कर देना आप वन माइनस एच से। आइए जरा वन माइनस एच मीन्स वन से लेस इधर है, और तब फंक्शन की वैल्यू एक्स टू द पावर टेन माइनस वन है। तो वन में तो आप रख नहीं सकते वैल्यू, ये वन माइनस एच, वन इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ये एक्स है इसको रिप्लेस कर देंगे आप वन माइनस एच से। तो आइए जरा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ये बनेगा 1 माइनस h टू दी पावर 10 माइनस 1। मैंने सिर्फ x को रिप्लेस किया है 1 माइनस h से, क्लियर। सिर्फ x को रिप्लेस किया है 1 माइनस h से। आइए जरा अब यहां पे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ये दरअसल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 1 माइनस एच की पावर 10 को आप ओपन नहीं कर पाएंगे। यदि 1 माइनस एच की पावर 2 होती 3 होती तो उसको शायद आप ओपन कर लेते, लेकिन 1 माइनस एच की पावर 10 को आप ओपन नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है, क्लियर। तो जब 1 माइनस एच की पावर 10 को आप ओपन नहीं कर सकते, इसके लिए फॉर्मूला होता है जो निकल के आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। बाइनोमियल चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, क्लास 11th में चैप्टर था ये बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम हेल्प करती है मोर देन 3 और 4 पावर्स को ओपन करने में। यदि आपसे मैं बोलूं कि a प्लस बी टू द होल पावर 5, अब कैसे ओपन करोगे आप उसको, टिपिकल हो गया ना। तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम हम वहां पर यूज कर लेते हैं। दरअसल आपने कभी एक बात ध्यान दी हो कि जब आप a प्लस बी की पावर लेके चलते हैं 0, आपको मिलता है 1, क्योंकि पावर किसी की 0 होती है तो 1 होता है। a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो टर्म 3 आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। जब आप a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करते हैं तो वहां पर टर्म 4 आती है, ओपन करके देख लेना। यानी कि जब भी हम किसी की पावर को ओपन करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स उसके एक्सपेंशन में पावर से एक ज्यादा होती है हमेशा, यह बात ध्यान रखना। जब किसी की पावर को आप ओपन करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स विल बी मोर देन 1 टू द पावर, यह बात हमेशा ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है। यदि a प्लस बी की पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएंगी, यदि a प्लस बी की होल पावर 6 है
तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 आएंगी, ये बात ध्यान रखें। चलिए इसको कैसे ओपन करना पड़ेगा उसके लिए एक फॉर्मूला आप लिख लेना अपने नोटबुक में। आओ जरा इधर, जब 1 प्लस एक्स की पावर एन को ओपन करते हैं, सुनना है ध्यान से, उसको लिखना भी है। जब 1 प्लस एक्स की पावर एन को ओपन करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस एन एक्स, जितना पावर है वो और जो x है वो आएगा, प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल आपने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, ये चलता रहता है ऐसे, ठीक है। पहले n आया, उसके बाद n माइनस 1, फिर n माइनस 1 से आगे n माइनस 2, फिर इससे आगे आएगा n माइनस 3, और ध्यान रहे फैक्टोरियल 2 पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2, पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3, पावर n होगी तो फैक्टोरियल n आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, क्लियर। तो ये फॉर्मूला अपने पास याद रखें। अब मान लो बाय द वे आपको 1 प्लस एक्स ना मिल करके मिल जाए 1 माइनस एक्स, तो तब क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के फॉर्मूले में जहां जहां एक्स देख रहे हो उसको रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस एन इंटू माइनस एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू माइनस एक्स की होल पावर 3। सो रिमेंबर इट ऑलवेज, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। And this formula is will be applied into this question. कैसे, जरा ध्यान से देखो 1 minus h की पावर 10 को, तो जो ये 1 minus h है इसको मैं थोड़ी देर के लिए लिख सकता हूं कुछ इस तरह से कि 1 plus minus h to the whole power 10 minus 1। अब जो ये minus h है ये तो हो गया माइनस एक्स की तरह से, और जो पावर एन थी यहां पे वो हो गई 10, क्लियर। तो अब इसको ओपन कर दीजिए आप, ओपन करने के बाद मेरे पास आएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन इंटू एन इज 10, सो 1 प्लस 10 टाइम ऑफ माइनस एच प्लस 10 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस एच की होल पावर 2 प्लस 10 इंटू 10 माइनस 1 10 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू माइनस एच की होल पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में आएगा फिर माइनस 1 जो चला आ रहा है पहले से ही, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद माइनस 1 से कट जाएगा 1, जैसा कि आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब बाकी जो बचा है वहां पे रख दीजिए आप h की वैल्यू 0, तो सभी टर्म्स 0 हो जाएंगी, मींस वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 0, क्लियर। तो जल्दी से ये फॉर्मूला लिख लीजिए। चलिए अब निकालते हैं RHL, RHL एट x इक्वल्स टू 1। तो RHL के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h एंड हियर a इज 1, सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट
एच अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट वन प्लस एच. नाउ फोकस ऑन वन प्लस एच. वन प्लस एच इज ग्रेटर देन वन. वी नो दैट एच इज वेरी स्मॉल वैल्यू लाइक 0.0001. बट वेन एवर वी एड अ स्मॉलेस्ट अमाउंट इन वन देन द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन वन. क्लियर. सो वन प्लस एच इज द वैल्यू विच इज ग्रेटर देन वन. सो चेक आउट इन द फंक्शन दैट वेयर इज एक्स ग्रेटर देन वन. हियर इन दिस स्टेटमेंट एक्स इज ग्रेटर देन वन. क्लियर. सो वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन वन देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज जस्ट एक्स स्क्वायर. सो रिप्लेस दिस एक्स बाय वन प्लस एच एंड द फंक्शन इज लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो वन प्लस एच टू द होल पावर टू. क्लियर. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट विद पावर टू एंड वी ऑब्टेन दैट लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू टाइम ऑफ एच. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एच इक्वल्स टू जीरो और वी कैन से दैट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एच एज अ जीरो एंड रिजल्ट इज वन बिकॉज दीज टू टर्म विल बिकम जीरो. सो जीरो प्लस वन रिजल्ट विल बी वन. क्लियर. नाउ वी ऑब्जर्व दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज जीरो एंड राइट हैंड लिमिट इज वन एंड बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स that whenever left hand limit is not equals to right hand limit then we doesn't proceed further and we have to announce that the given function is totally discontinuous or we can say not continuous at x equals to 1. So you have to write down this statement in the last of the question that function is not continuous at x equals to 1. This is your required answer. Clear? चलिए आगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 वो आप कर लेंगे. सिंपल क्वेश्चन है, वन पे चेक करना है, वो आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 वन पे चेक करना है, थ्री पे चेक करना है, इसको आप कर लेंगे और ये अपने आप में आएगा डिसकंटिन्यूअस. क्योंकि वन पे चेक करोगे तो वन पे LHL आएगी 3, RHL आएगी 4, इट मीन्स फंक्शन इज टोटली डिसकंटिन्यूअस एट 3. जब 3 पे चेक करेंगे तो 3 के लेफ्ट में LHL आएगा 4 और RHL आएगा 5, तो बोल देंगे आप फंक्शन इज टोटली डिसकंटिन्यूअस. क्लियर. चलिए आगे. इसके बाद चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15. जब 15 पे जाएंगे तो 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है. इन सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 16 आल्सो चेक करना है माइनस 1 पे और 1 पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इसको मैं कराता हूं, सुने बड़े ध्यान से. एंड क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहे हैं फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 व्हेन एवर एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 व्हेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट 3. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखें. क्वेश्चन नंबर 17 में जो फंक्शन दिया है इसकी दो ब्रांच दी हैं. एक ब्रांच तब है जब x 3 और 3 से कम है और दूसरी ब्रांच तब है जब x 3 से ज्यादा है. तो हम यहां पे चेक करेंगे 3 पर, निकालेंगे उसकी LHL, RHL और 3 पर फंक्शन की वैल्यू. उनको आपस में इक्वल रखेंगे. इक्वल रखने के बाद वहां से आएगी एक रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, इसको मैं बिकराऊंगा. क्वेश्चन नंबर 18 ये मुझे कराना है. शायद क्वेश्चन नंबर 18 मेरे ख्याल से हो चुका है. ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 ये मैं कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर 20 ये आप खुद कर सकते हैं. इसको पाई पे चेक करना है 20 क्वेश्चन को. आप देख रहे होंगे पेज नंबर 160. वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट पाई. तो आप पाई पे निकालेंगे LHL, पाई पे निकालेंगे RHL और पाई पे निकालेंगे आप फंक्शन की वैल्यू. तीनों को बराबर दिखा देना है.
तो प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। इन सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 21 ऑल्सो, 21 में पॉइंट नहीं दिया है, तो 21 में आप निकालेंगे कि जनरल पॉइंट ए पर वैल्यू, ठीक है। 21 में तीन पार्ट दिए हैं, पहले प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर मल्टीप्लाई में है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो 21 में लेके चलेंगे आप एक जनरल पॉइंट ए, और ए पे चेक करेंगे आप LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर आएंगी तो आपको बोल देना है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप एक बात जरूर ध्यान रखें, इसको कहीं पर आप लिख भी सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ये सब अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। जैसे आप कहने लगे सर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, और चेक करना पड़ जाए आपको इसको टू पर कि टू पे कंटिन्यूअस है नहीं है, तो ये टू पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं यदि उनकी ब्रांच नहीं बटी हुई है, जैसे कुछ क्वेश्चन तो ब्रांच बटी रहती है कि जीरो से कम पे ये है, जब जाओगे आप मोर देन जीरो तब फंक्शन ये है, मैं उन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ जिनमें ब्रांच बटी हुई है, मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो अपने आप में सिंपल है, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू दे दिया गया आपको एक्स प्लस फाइव और चेक करना है टू पर, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स है, कोस एक्स स्क्वायर है, कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये सारे के सारे फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो पूरी हो चुकी है। This is too large.